on, brother. चलो जी राउंड पूरा हो गया अब टाइम खत्म टाइम ओवर गेम ओवर हम जा रहे हैं बस अब राउंड पूरा हो गया अब टाइम नहीं है अभी ये मैंने साइकिल दे दी इनको क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे थे साइकिल का इसीलिए वो लोग साइकिल चला रहे हैं अब ये है कि जगह देखें आप कितनी खूबसूरत जगह है मंजर देखें आप यहाँ का देख रहे हैं ये आप बैलून शैलून पड़े हुए थे सब बोटें खड़ी हुई हैं शिप खड़े हुए थे ये देखें हम ये रखी हुई इसको भी चला सकते हैं आप ये रखी हुई एक दो तीन इधर रखी हुई है आप चलाओ ये वो साइकिल जो मैं चला रहा था साइकिल ये वाली साइकिल थी जिस पे मैं चला रहा था अभी देखें कितनी बड़ी साइकिल है कितनी खूबसूरत साइकिल है ये पूरी फोल्डिंग सिस्टम साइकिल है ये तो इसको आप खोल के लेके जा भी सकते हो पाकिस्तान वहाँ जाके भी चला सकते हो समंदर में लेकिन शाहनवाज अगर चाहिए तो लेके आऊँ एक ये देखिए कितना प्यारा रास्ता बनाया रास्ता कितना अच्छा बनाया देखें इन्होंने ये सब वो प्लास्टिक के ड्रम है ड्रमों के पास चल रहा हूँ उस टाइम पे और ये स्टीमर खड़ी हुई है देखें सामने ये स्टीमर है सामने ये स्टीमर जाओ आप लोग जा सकते हैं वो देखो Thank you.
बहुत सामने फेज है जहाँ मैं किया था अभी सामने दूसरे एरिए के अंदर मैं भी चला था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वेदर देखें आप यहाँ का, और कल बारिश हुई थी यहाँ पे तो इसके साथ मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और ये कि इस मौसम के अंदर जो है बहुत मज़े आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं बादल आए हुए हैं और धूप तो है ही नहीं यहाँ पे समझ लिया इस टाइम पे, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया तो पब्लिक घूम रही फिर रही है यहाँ पर, इंजॉय कर रही है यहाँ। बाकी ये कि कल फाइनल इनका हो गया है, अब जो होना था कल फाइनल इनका हो चुका है सब, अब ये कि घर की तरफ सब लोग जा रहे हैं अपने अपने, आज तो ऐसे ही आए थे घूमने फिरने के लिए, नहीं चले जाके देखते हैं आखिर में क्या होगा वहाँ पे। लेकिन ये है कि ऐसा ही है, अच्छा है, साइकिल चलाने को मिल गई फ्री में, क्या समझे, और वो जो कैब थी वाइट वाली कैब वो भी फ्री में मिली है, तो यहाँ तो ये मज़े हैं, बस घूमो फिरो खाओ पियो बस, वो कुछ भी नहीं है। और बस सबसे अच्छी बात यह कि मौसम अच्छा हो गया, यहाँ का ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, धूप गर्मी ख़त्म हो गई है, अभी जब गर्मी पड़ेगी तो वो देखने वाली होगी गर्मी भी, इसीलिए तो जितनी ठंड में घूम सकते हैं मज़े कर सकते हैं तो कर लेना, फिर तो बाद में गर्मी होगी और हम होंगे, ठंडा पानी होगा, गाड़ी एसी यख होगा, बस क्या करें भाई। हाँ भाई शाहनवाज साहब क्या हाल है आपके, ठीक है आप, इसीलिए कहते हैं बेटा पढ़ लिख लो अच्छी तरीके से बिल्कुल, और अच्छी पोजीशन पे फिर आओ घूमो फिरो अपने दूसरे मुल्कों में, क्या समझे। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तमाम बिल्डिंगों के अंदर बड़े बड़े लोग काम करते हैं, बड़े बड़े अफसर काम करते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये है कि बगैर पढ़े लिखे का यहाँ इतना फ़ायदा नहीं है, या तो फिर टेक्निकल अच्छा हुनर हो आप में अच्छी पोजीशन पे इधर आओ तो फिर तो मज़े हैं। ये तो बस कहते ना बाज़ औक़ात इंसान का लक काम करता है, या हमारा लक काम कर गया बस, और जो जो अच्छी लगी इधर अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो क्या पढ़े पढ़े लिखे लड़के भी आए बेचारे वो जॉब कर रहे हैं लेकिन इतना नहीं घूम सकते हैं, लेकिन ये कि जो ड्राइविंग की जॉब में आए थे मज़े कर रहे हैं, एंजॉय हो रहा है और छुट्टी उट्टी का कोई मसला नहीं है। ड्यूटी असल में ऐसी जगह पे लगी नहीं, ये एरिया दोहा है, इसका नाम है दोहा सिटी, इस सिटी में तमाम ऑफिस वगैरह इन बिल्डिंगों के अंदर हैं, देख रहे हैं मिनिस्ट्रियाँ वगैरह ऑफिस वगैरह सब यहीं पर हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पर सारे ऑफिस हैं तो यहाँ जॉब लगी हुई है, वरना अगर तो दूसरी जगह कोई का इंडस्ट्रियल एरिया में इधर की जॉब होती तो फिर यहाँ आने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है भाई, क्या हम टैक्सी जाएंगे तो उसमें खर्चा, अपनी गाड़ी में तो रोज़ा ना आ नहीं सकता एक जगह पे। फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये सामने टावर देख रहे हैं, इस टावर में इसके पीछे टावर और है जिस पर लिखा अल परदान, बस वहाँ आता जाता रहता हूँ, और यहीं पर कमर्शियल बैंक भी है और अपनी लोकेशन भी यहीं पर है काम की, तो इसीलिए मैं पूरा दिन देखे ना आप मेरी तस्वीर वगैरह देखते स्टेटस पे, वो सब इसी बिल्डिंगों की इसी जगह की होती है, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी जगह पे लगी है, अब क्या कर सकता हूँ, अब दूसरी जगह पे तो कोई तस्वीर खींच नहीं सकता मैं जाके, कि वहाँ जाने के लिए टाइम वेस्ट होगा, बेहतर ये कि जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहीं की तस्वीरें खींचते रहो बस, भेजते रहें, ये है भाई। अब ये है कि यहाँ अब शाम का टाइम हो रहा है ना, अब लोग देखे वॉक करने के लिए निकल आएंगे, सामने वॉक करने के लिए वो सामने देखें वॉक करने के लिए लोग जा रहे हैं, ये दरख्त देखें आप, दरख्त कितना खूबसूरत दरख्त है, देख रहे हैं खूबसूरत दरख्त जिसे कहते हैं ना वो है ये। अब शाम का टाइम है, लोग जा रहे हैं एक ऑफिस से घर, और बहुत से लोग ऑफिस से यहाँ डायरेक्ट वॉक करने के लिए आते हैं, वॉक करके फिर वो चले आते हैं घर पर, थका रखे ऑफिस में बैठे रहते बेचारे से, तो इसलिए वो थोड़ी वॉक कर लेते हैं यहाँ पर आके।
ग्रीन ग्रीन है पूरा, ये देख रहे हैं आप, ग्रास लगी हुई है। और मेरे पीछे देखे सारे नज़र आ रहे हैं दरख्त वगैरह, खूबसूरत सब्ज़ा वगैरह अच्छा अच्छा है। और ये मेरे देखें आप, राइट हैंड पे मेरे रोड है, ये रोड आ गया, ये रोड है राइट हैंड पे मेरे सामने। और ये कतर पेट्रोलियम की बिल्डिंग है, ब्लू वाली देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये सामने लिखा देखें कतर पेट्रोलियम का ये हेड ऑफिस है, ठीक है। और बस ये है बस, मेरे लेफ्ट साइड पे देखें समंदर है। अब मैं मगरिब होने वाली है, सूरज ग्रुप हो रहा सामने देखें आप, मैं अब मेरा अंधेरा हो जाएगा इधर, ये देखें ये मगरिब होने वाली है बस, तो थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी, उसके बाद लोग अपनी फैमिलीज लेके आएंगे, बच्चों को लेके, या चादर बिछाएंगे, खाना छाना खाएंगे बैठ के। ये पूरा देख रहे हैं अंधेरा था हो गया था, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास, असल में मुझे भी काम से जाना है, काम से नहीं जाना होता तो मैं आपको एक पल सिटी का एरिया है, सिटी एक वहाँ का विज़िट करवाता मैं, और वो बहुत ही खूबसूरत सिटी है, उसका नाम है पल सिटी, और देखने वाला सिटी है वो सारे शिप वगैरह बड़े बड़े खूबसूरत वाइट कलर शिप होते हैं, और फॉरनर्स वगैरह वहाँ बहुत आते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, तो वो एरिया बना भी बड़ा खूबसूरत है, और वहाँ पे बिल्डिंगें जो हैं एक जैसी नहीं है, हर बिल्डिंग का अपना एक डिफरेंट कलर है, बिल्कुल डिफरेंट कलर है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी वो बिल्डिंग भी, हर बिल्डिंग का अलग अलग कलर है, और बहुत अच्छी बिल्डिंग है, खूबसूरत है। वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके कल अगर टाइम मिला तो कल मैं वहाँ जाऊँगा, और फिर वहाँ जाके मैं आपको वहाँ का भाई विज़िट करवाऊँगा, ताकि आप देखें कि कितनी जल्दी और कितने कम टाइम में कतर ने तरक्की करी है। यहाँ पे बस ये है कि किसी को तंग नहीं करो बस, आप किसी को छेड़ो नहीं, किसी को तंग नहीं करो आप, और अपना सुकून से लाइफ बताते हो, क्या समझो। यहाँ मुश्किल है फाइट करना, फाइट करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो बस इंजॉय है, वेदर अच्छा है यहाँ का, और खाना पीना फूड फिश वगैरह सब कुछ अच्छी है यहाँ पे, और फिश सस्ती बहुत है, सबसे बड़े फिश सस्ती बहुत है, और जितनी खानी है खाओ, लोग ताज़ी पकड़ते हो तो और ताज़ी खाते हैं, और बहुत से लोग यहाँ फिशिंग कर रहे होते हैं, फ़िशिंग का बेहतरीन प्लेस है, और अच्छी फिश है। ये देखें ये खुश हो के कहीं यहाँ से, तो ये है कि फ़िश वगैरह भी फ्रेश मिल जाती है, और अच्छी फ़िश बेहद फ्रेश फ़िश होती है, तो आप उसको ताज़ी लेके आएँ और फ़िश फ्राई करें, फ़िश ग्रिल बनाएं, या ग्रिल फ़िश, और ये खाने का बहुत मज़ा आएगा पराठे के साथ, ग्रिल फ़िश एंड विद पराठा, कि ये मौसम अच्छा है ना, पराठा खाने का मौसम इस टाइम पर, आलू वाला मिल जाए पराठा तो बहुत ही बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये कि बेहतरीन मौसम की नस्बत ये पटाटो समोसा, पटाटो पराठा विद ग्रीन चिल्ली बहुत इंजॉय करेगा खाने में। लेकिन अभी थोड़ी हुई थी बारिश, हल्की थी, ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन आज मौसम बहुत बेहतर है, गॉड गिफ्ट इसे कहते हैं, गॉड गिफ्ट। देख रहे हैं मैं आपके साथ साथ चल रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आपको बोर ना हो, और ये कि आपको हर चीज़ दिखाता जा रहा हूँ यहाँ पे। मगरिब होने वाली है अब, लिहाजा ये मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं होता, मगरिब के टाइम भी वीडियो बन रही है और मैं आपको दिखाऊँ वीडियो पे, वो अच्छा नहीं है। मगर अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है, अज़ान मगरिब होगी उसके बाद अंधेरा शुरू होएगा, और मुझे भी काम से बहुत ही जाना है भी। मज़े हैं तो बस
ये कि बस अब शाम हो गई है और अजान मगरिब भी होने वाली है। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आप लोग के साथ सबके साथ। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो ठीक है जी। तो ये कि अभी टाइम भी कम है और शाम हो गई है, इवनिंग का टाइम है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे जल्द से जल्द। और इस YouTube पर देख के सब्सक्राइब करिएगा, बोलिएगा इमरान खान। वो देखिए आप, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कुछ चले ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।